आज की हमारी रेसिपी बहुत ही खास है। ये रेसिपी मैं किसी से इंस्पायर्ड होकर बना रही हूँ। मास्टर शेफ इंडिया के विनर शेफ अविनाश नायक से इंस्पायर्ड होकर ये रेसिपी बना रही हूँ। मास्टर शेफ किचन ने मैं एंट्री के लिए उनकी ये फर्स्ट रेसिपी थी, जो कि जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली थी रेसिपी के लिए। अविनाश नायक उड़ीसा से है, मैं भी उड़ीसा से हूँ, तो कहीं ना कहीं ये रेसिपी के साथ कनेक्टेड हूँ, मसालों के साथ कनेक्टेड हूँ। कोशिश करूँगी उनके जैसे ही रेसिपी बनाने की। तो थैंक यू अविनाश नायक ये रेसिपी हमें देने के लिए, और हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनर ऑफ द मास्टर शेफ इंडिया। चिकन बेसरा बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट आपको ऐसा लेनी है कि मतलब इसको ऐसा काटना है जैसे कि एक बुक के जैसा खुले, साथ में इसका स्किन अटैच होना चाहिए, तभी रोल करना बहुत ही आसान होता है, वरना थोड़ी सी जो हम स्टफिंग इसके अंदर देते हैं वो बाहर आने की संभावना होती है। तो शेफ अविनाश नायक ने इसके साथ स्किन भी लिया था, बट मुझे स्किन वाला नहीं मिला, तो मैं ब्रेस्ट पीस लेकर के बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब मैं इसे मैरिनेट कर रही हूँ। हालांकि शेफ अविनाश ने इसे मैरिनेट नहीं किया था, बट मैं मैरिनेट कर रही हूँ, थोड़ी सी अपनी भी ट्विस्ट होनी चाहिए रेसिपी में। तो थोड़ी सी नींबू का रस डाला मैंने, और आधी छोटी चम्मच नमक डाल करके अच्छे से रब कर रही हूँ। इसे हम रख देंगे साइड में, तब तक हम बाकी का तैयारी करेंगे जब तक ये चिकन मैरिनेट हो जाएगी। तो ये बेसर के लिए सबसे मेन एक पेस्ट बनेगी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ी चम्मच काली वाली सरसों, 1 बड़ी चम्मच पीली वाली सरसों, 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ ही हम डालेंगे 1 लहसुन। मैं 1 लहसुन का पूरी सारी कलियां डाल रही हूँ छील करके। लहसुन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाती है क्योंकि इसकी फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में, अदरक नहीं जाएगी। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, और इसे भिगो करके हम रखेंगे थोड़ी देर, और जब ये भीग जाएगी इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे, जिसको बेसरो बोलते हैं। इसी पेस्ट से बेसरो बनेगी हमारा। तो ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसी में हम एक मूज भी बनाएंगे। तो मूज बनाने के लिए सेम मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें डालेंगे हमारा चिकन मिन्स, यानी कि चिकन के छोटी छोटी कटी हुई पीसेस। और ये चिकन मिन्स ऐसा होने चाहिए, एकदम नरम वाला चिकन ले, मुझे नहीं मिली थी इसीलिए मैं ये वाला ले रही हूँ। एकदम नरम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और जो हमने बेसरों का पेस्ट बनाया था उसमें से 1 बड़ी चम्मच पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे एग वाइट्स। एग वाइट डालने से ये मूज हमारा एकदम फ्लफी लाइट बनेगा। तो एग वाइट में 2 एग का वाइट्स डाल रही हूँ मैं। पहले एक प्लेट में एग वाइट्स निकाल देती हूँ, फिर जार में ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 पिंच नमक डालेंगे, और 1 बड़ी चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। बस अब हम इसको पीस करके एक मूज रेडी करेंगे, एकदम स्मूथ सा, ये देखिए। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में भर करके फ्रीजर में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए जब तक हमारा मूज सेट होता है तब तक हम बेसरो बना लेते हैं, यानी कि हमारा ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे भी ठंडा करके पीसनी है। एज इट इज़ आप सर्व कर सकते हैं, बट हम शेफ अविनाश की रेसिपी फॉलो करें तो उनके जैसे स्टेप्स भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, सरसों के तेल ही लेनी है और कोई तेल ना ले। तेल गर्म होने पर इस पर डाले पंचफोरन। पंचफोरन में होता है सरसों, जीरा और सौंफ, मेथी और कलौंजी जी। तो यहाँ पे पंचफोरन चटकने लगा है, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। 1 बड़ी साइज की प्याज डालनी है, और प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसलूस होने तक पकानी है। और प्याज को भी मैंने रफली चॉप किया है, कोई बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्याज स्वेट होने लगा है, हल्की सी पक गई है। अब हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे, यानी कि कड़ी पत्ता, 7 से 8 कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप करके डाल देंगे। टमाटर को 1-2 मिनट चलाते हुए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी डाल देंगे।
थोड़ी सी नमक कम ही डालें अभी, क्योंकि हम इसमें आंबुल ऐड करेंगे, उसमें भी नमक होती है, और हमने मैरिनेशन के लिए भी नमक ऐड किया है, मूस पे भी थोड़ी सी नमक ऐड किया है। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच डाल दिया मैंने, अच्छे से मिला दिया। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो रेडी किया हुआ बेसर और पेस्ट। तो फ्लेम को स्लो करके बेसर का जो पेस्ट है ये हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच, जो हमारा मस्टर्ड पेस्ट है हमने जो ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। मिला दे, तुरंत ही इसमें पानी डाल दे, इसे पकाने नहीं होता है, ये पेस्ट डालने के बाद इसे पकाने नहीं होता है। अगर इसको भूनते रहेंगे तो कड़वा हो जाएगा ग्रेवी, इस बात का ध्यान रखें। मैंने अभी इसमें 2 कप पानी डाला है, इसमें मैं शेंगा डालूंगी। शेफ़ अविनाश ने शेंगा नहीं ऐड किया था, तो आप बिना शेंगा डाले भी बना सकते। मैं शेंगा डाल रही हूँ इसलिए 2 कप पानी डाल के इसे ढककर पकाऊंगी। मैं जिस आंबुलो के बारे में बात कर रही थी वो है ये आंबुलो। यहाँ पे मैंने 2 पीस आंबुलो लिया है, बेसिकली ये ड्राइड मैंगो है। मैंगो के सीजन में जो हमारा कच्ची कैरी होता है उसको नमक के साथ 2-3 दिन भिगो के रखा जाता है, फिर इसे सुखा करके पूरे साल भर के लिए स्टोर किया जाता है। मैंगो के सीजन ना होने पर भी हम मैंगो को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवीज में, करीज में, या फिर पिकल बनाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो मैंने 2 आंबुलों के पीसेस भिगोए थे और इसका पानी मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। आंबुलो नहीं ऐड करना है, बस इसकी पानी ऐड करनी है। तो यहाँ पे 5 मिनट मैंने स्लो कुक किया है ग्रेवी को। ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई, साथ में हमारे शेंगा यानी कि ड्रम स्टिक के पीसेस भी अच्छे से पक गई है। अब हम क्या करेंगे, ये ड्रम स्टिक के पीसेस को एक बाउल में ले लेंगे। ये देखिए अच्छे से कुक हो गई ना, तो हम ड्रम स्टिक के पीसेस को बाउल में ले लेंगे और ये ग्रेवी को पीस करके पेस्ट बनाएंगे। आप चाहे तो इसे एज इट इज सर्व कर सकते हैं, बट हम अविनाश के पूरे रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो उनके जैसे शेफ्स भी फॉलो करेंगे। तो ग्रेवी को ठंडा करने के बाद ही इसको पीसे, वरना ये ऊपर उड़ने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार में ये हमारा ग्रेवी को ले लिया है, इसे हम पीस करके साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हम चिकन को रोल कर लेंगे क्योंकि हमारा मूस सेट हो गई है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्लिंग रैप, जिसमें हम चिकन को रोल करेंगे। तो चिकन का ब्रेस्ट को मैंने टिश्यू पेपर से हल्का सा टैप कर लिया है ताकि इसमें कोई भी पानी ना रह जाए। तो यहाँ पे हमारा जो मूस है अंदर हम ऐसे स्टफ़ करेंगे। मूस को अगर टाइम हो तो अच्छे से सेट करें, यहाँ पे मेरी मूस कम सेट हुई है और थोड़ी देर चाहिए था टाइम, बट टाइम नहीं था फ्रेंड्स, तो इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे स्टफ़ करके रोल कर देंगे। यहाँ पे अगर स्किन होता तो अच्छे से ये रोल हो जाती, तो साइड से ये हमारा जो मूस है बाहर नहीं आता। तो यही प्रॉब्लम होती है जब स्किन ना हो इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने एक कैंडी जैसा शेप दे दिया है इसको, और साइड में मैंने पानी उबाल करके रखा हुआ है, और इस पानी में हम ये चिकन को पकाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने इसे 10 से 12 मिनट पकाया है। मेन ज़रूरी बात ये होता है इसके बीच में जो हमने स्टफिंग मूस डाला है वो कुक हो जाना चाहिए, वरना काटने के बाद वो बह जाएगी। तो ये इस प्रोसेस को आप अवन में भी कर सकते हैं। अवन में आपको एक ट्रे में पानी लेना होगा, उसमें एक हैंडी रखनी होगी यानी कि चिकन की जो रोल है वो रखनी होगी, फिर 10 से 12 मिनट के लिए अवन में भी कुक कर सकते हैं। अवन सबके पास नहीं होता इसलिए मैं कढ़ाई में करके दिखा रही हूँ। ये स्टीम कुक हो गया, अब इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो हमारा जो स्टीम कुक हुआ चिकन रोल को हम ग्रिल या टोस्ट करेंगे। कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे हम इसे ग्रिल करेंगे। स्किन इसके साथ अटैच्ड होता है तो क्या होता है, स्किन एकदम क्रिस्पी हो जाता है, गोल्डन ब्राउन कलर में आती है, तो बहुत ही यम्मी लगता है। अभी हमारे पास तो स्किन नहीं है इसका, तो हम इसे एक क्रिस्पीनेस आने तक, अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर में आने तक उलट पुलट करते हुए चारों तरफ से इसे रोस्ट करेंगे। तो ये हमारा चिकन रोल रोस्ट होकर रेडी हो गया है, चलिए इसे प्लेट में ले लेते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स को भी हम सौते करेंगे, सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे, एक क्रंची बाइट्स मिलेगी वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ लिया है यहाँ पे गाजर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्रम स्टिक को कुक करके रखा हुआ है, तो गाजर को सौते कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ बड़ी, बेसिकली ये उड़द दाल का पेस्ट से बनाई जाती है। उड़द दाल को भिगो करके उसका पेस्ट बनाई जाती है, फिर छोटे छोटे चंक्स धूप में सुखा जाता है इसका, और इसको स्टोर करके रख सकते हैं पूरे साल भर, और ग्रेवीज में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ऊपर से सर्व कर सकते हैं क्रंची बाइट चाहिए तो, या फिर ग्रेवी के साथ पका करके भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर ग्रेवी को मैंने पीस लिया था, ये ग्रेवी ठंडी हो गई थी तो थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। साथ में मैं ये बड़ी को भी पका लूँगी क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्ट मुझे अच्छी लगती है। 3 मिनट ग्रेवी को पका करके मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी, तब तक हम ये चिकन को काट कर तैयार कर लेते हैं।
तो फ्रेंड जब भी मैं इसको काट रही थी मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई क्योंकि बैटरी डाउन हो गई उसकी। तो यहाँ पे मैंने इसे काट लिया है। आपको इसे काटने के लिए एकदम शार्प नाइफ की ज़रूरत होगी। नाइफ में अगर धार कम होगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने तो काट लिया है इसे। ग्रेवी भी पक गई है, चलिए अब सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट में ग्रेवी डालेंगे। ग्रेवी हमारी बहुत ही स्मूथ है क्योंकि हमने कुक करने के बाद इसे पीस लिया था। बीच में रखेंगे हमारे चिकन रोल के पीसेस। ये चिकन की खास बात ये है कि बीच में इसकी जो मूज है एकदम सॉफ्ट है, बाहर की जो लेयर है क्रंची है, बीच में चिकन है। बहुत ही यम्मी रेसिपी है, ट्राई करना बिल्कुल बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बड़ी और वेजिटेबल्स को साइड में हम डालेंगे। प्लेटिंग अपने अनुसार आप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। साइड में मैं रख रही हूँ जो हमारे ड्रम स्टिक के पीसेस जो हमने ऑलरेडी कुक करके रखा हुआ है। एक ग्रीन अनियन के साथ मैं प्लेटिंग को ख़त्म करूँगी। मैंने कोशिश की है शेफ़ अविनाश की जैसे ही बनाने की ये रेसिपी को, उनके जैसे शेफ्स भी मैंने फॉलो की हैं। मैं कितनी कामयाब हो पाई हूँ वो आप लोग ही बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि क्या मैं उनके जैसे बना पाई हूँ ये रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।